चेक कर सके। नहीं, वो तो सब नंबर दिया है आपने, जो ये जो IRCC का नंबर दिया है, इनसे बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं हुई, एजेंट जो है वही बार बार फोन, एक लेडीज है तो तो आप वही मेरी इनसे वापिस वाला फोन करके। जो जो इनसे जो कंसल्टेंट का नाम दिया है, इनसे इनसे आप वो कहें कि बात कराएं मेरी, और जो अच्छा आप बात करें इनसे, इनसे डायरेक्टली बात करके पूछें जो कुछ है बाकी, और बीच में बिचौलियों से और दलालों से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, मैंने आपको वीडियो बहुत सारा देखा सर, आपको बहुत अच्छा लगा, आप तो सबको सलाह देते ही हैं सर। जी। आप जो इनका जो कंसल्टेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उनसे उनसे बात करें आप, सीधे उनसे पूछें भी क्या है, और उनसे जो भी कुछ है लिखित में लें आप, तो फिर होगा। बाकी ये चलिए। काफ़ी सारे एड्रेसेस दे रखे हैं, बेंगलोर के, हैदराबाद के, व्हाट हाँ इज सर, दिस, हाँ सर, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ का है पता नहीं कहाँ का है। सॉरी ओमान, या बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इस सबसे कुछ होता नहीं है। ये हाँ सर, हाँ सब सर, दिखावटी है, दिखाने के लिए है, फलाना है उससे, ये तो ऑस्ट्रेलिया के वो हैं, रजिस्ट्रेशन है, कनाडा वाले कौन है ये नहीं पता हमें। कनाडा वाला और बात करके मैं उसका जो भी स्क्रीनशॉट करके फोटो लेके मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा सर। नहीं, मेरे को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं यार, बहुत आप समझे, जी सर, फिर मेरे को शेयर, आप हैं सर, आपको बेटर से सब मालूम है सर। फ्रॉड मैंने आपको बता दिया ना कि सब फ्रॉड है ये, मैंने आपको पहले बता दिया फ्रॉड है सारा। सर, हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सब फ्रॉड है। हाँ जब तक जॉब ऑफर रिटर्न में सामने नहीं आएगा, तब तक ये सब बातें जो है ना, ये सब फ्रॉड है। सर, अभी आप किधर और हैं, जो कॉलोनी में आदमी, रहते हैं किधर? हाँ जी, आप किधर रहते हैं उधर वहां पे? कहाँ रहते हैं? आप आपको बोल रहा हूँ सर, हाँ, क्या सवाल के पूछा, मेरे को सवाल सुना नहीं, दोबारा मैं बोले। पूछ रहा सर, आप अभी कनाडा में किस प्रोविंस में रहते हैं? पूछ रहा सर, हम अल्बर्टा में रहते हैं सर जी। वो ब्रिटिश कोलंबिया से की है कि दूर है सर, अलग है? हाँ दूर तो अलग तो है, अब जैसे वो है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, दूर तो है, लेकिन सर, जहाँ जाना आना संभव है, जा सकता है कोई। हाँ सर। सर HBSC का जो मैं बोला आपको, तो स्कोप है क्या सर उसके लिए? किस चीज का स्कोप है? अगर नौकरी मिल जाएगी, असली जॉब मिल जाएगी, तो स्कोप ही स्कोप है। नहीं सर, वही रेफ्रिजरेशन, हीटिंग एंड हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का सर, वो मतलब इसका जॉब वहाँ पे है कि नहीं है, मतलब जॉब उसको मिलेगा जिसके पास यहाँ का लाइसेंस हो, उसको अच्छा। जॉब मिलेगा, बगैर लाइसेंस का जॉब नहीं मिल सकता ये। हाँ सर, लाइसेंस अगर सपोर्ट एग्जाम्पल कोई बाई चांस मिल जाता है तो फिर लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है सर वहाँ पे? लाइसेंस, समझा नहीं आपका सवाल, लाइसेंस मिल जाता है तो क्या प्रॉब्लम किस चीज की होगी? नहीं सपोर्ट, हम लोग यहाँ से बाई चांस चांस अगर मिल गया, हम लोग वहाँ पे आ गए तो हमको लाइसेंस लेने के लिए इजी होता है कि नहीं, कुछ? उसका इजी दुनिया में कुछ नहीं है, इतनी दूर जाओगे इजी कुछ ना कुछ, उसका टेस्टिंग होता है, उनका एग्जामिनेशन होता है, अगर आप पास कर गए तो अच्छा। फिर आपकी चांदी है, नहीं है तो फिर वापस। सर दूसरे जॉब में तो भेजेंगे नहीं सर वो लोग? नहीं, तो इसलिए इसलिए आपको एसी का और वेंटिलेशन की जॉब तो वहां से, जब तक आपके पास एक रेड सील का प्रोग्राम होता है, जब तक आप उनके पास क्वालिफाई नहीं कर पाते, और तब तक तो आपको वैसा मैकेनिक आपको कोई रखेगा नहीं, रख ही नहीं सकता। तो ऑनलाइन है क्या सर वो? उसका उसका एग्जामिनेशन कनाडा में होता है, उसका एग्जाम, उसका आपका रजिस्ट्रेशन और आप भर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको वीज़ा चाहिए आने के लिए, कनाडा आने के लिए, और विजिट वीज़ा इतना आसानी से मिलता नहीं है। ऐसे बात नहीं, अगर जो जो आदमी जो PR पे है सर, तो उनको जो ट्रेड दीजिए वही काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ है? अगर PR मिलती है फिर तो जो मर्जी काम कर सकते हो, अगर आपको पहले जॉब मिलती है, आपको वर्क परमिट मिलता है, तो आपको जो जिसका वर्क मिला है उसी में आप काम कर सकते हो बस। अच्छा। अब सर ये लोग ओपन वर्क परमिट बोल रहे हैं सर 2 साल के लिए, तो उसमें क्या होता है सर? कौन कह रहा है ओपन वर्क परमिट? कैसे मिल जाएगा ओपन वर्क परमिट आपको? नहीं वो लोग बोल रहे कि 2 साल के लिए हम ओपन वर्क परमिट बना के किधर चाहे उधर भी काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता हमें नहीं पता कैसे डालेंगे, आप उनको मेरे सामने लेकर आओ जरा, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, जरा लेके आओ है? सामने, उनको हाँ कहना तो कि वो भाई सर बात बोल करो रहे नहीं, हैं सर, बोलने सब में बोल क्या रहे है, हैं। अपनी 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 बीन बजा रहे हैं उसमें, ऐसे हाँ बोलने सर, में हाँ क्या है। सर, हाँ ये तो बहुत जुमले, वहां पर भी बहुत, भाजपा भी कह रही है कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, अभी तक तो आए नहीं। सर, ये तो
बात, सब लोग अपना अपना नंबर बनाने के लिए सब बता दें सर, ऐसा है वैसा, सही बात सर। कहने को तो दुकानदार है, जो मर्जी कही जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। प्यार मिलेगा तभी बेटर कि हम पूछी ओपनली काम कर सकते हैं क्यों सर। एब्सोल्युटली, लेकिन पीआर मिलेगा कैसे? वही वही मैं पूछ रहा था, बाय चांस अगर मिला तो, नहीं मिला तो बाय चांस तो चांस नहीं है सर में, ऐसा। वो बाय लोग बोल रहे चांस हैं में पीएनपी क्या बात कराएंगे है, या आईटीपी कराएंगे। बाय चांस क्या होता है? आप बोलोगे बाय चांस मैं, अब मैं कुवैत का मैं राजा बन जाऊंगा, शेख बन जाऊंगा, तो मैं ये कर लूंगा, मैं सऊदी का मैं वो प्रिंस बन जाऊंगा, ये कर नहीं लूंगा। बाय पोजीशन नहीं है चांस, सर, बाय नहीं सर, चांस कैसे नहीं होगा? नहीं सर, पॉसिबल ये होने वाला नहीं ना, ये होने वाला नहीं, नहीं है। नहीं सर, या नहीं इट सर, इज नहीं। नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए पहले उसके एक्सप्रेस एंट्री में होता है, ट्रेड में आपको पहले इंग्लिश का टेस्ट देना है, फिर आपको एक्सपीरियंस हाँ सर, वेरीफाई होना है, फिर आपको जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर के, जब आपको जॉब ऑफर क्यों देगा कोई आदमी, जब आपके पास लाइसेंस नहीं है, जॉब ऑफर क्यों देगा? हो सकता है कि आपके काम को जानता है तो आपको कोई और जॉब दे दे, हो सकता है, डैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर ये सब होना, ये जो अकस्मात है कि अब हम बोलें कि कैसे हो जाएगा सारा, ये लॉटरी निकल जाएगी, केबीसी में मैं 7 करोड़ जीत लूंगा कल, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल मतलब दीज आर इमेजिनेटिव स्टोरीज, इमेजिनेशन की स्टोरीज हैं, ये हो जाएगा वो जाएगा। सर। सर मैंने वहाँ पे कई जगह से कंपनी में अप्लाई किया है, अगर सपोर्ट दे तुमको वहाँ से जॉब ऑफर मिलता है तो इजी हो सकता है। अच्छा जॉब ऑफर मिल जाएगा तो फिर आपको वर्क परमिट पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फिर हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर देखते हैं फिर कुछ होगा तो सही है सर। फिर सर मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, फिर जो ये लोग मांग रहे हैं अभी बोलते हैं नहीं बोल दूंगा नहीं। इनको आप कैंसिल करो या ना करो, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको बता दिया कि इसमें इसमें तो मैं कुछ आपसे सही, एडवाइस लेने के लिए क्या हूँ सर, मैं आपसे आपको बात एडवाइस दे कर। रहा हूँ, आप एडवाइस मेरी कैच नहीं कर रहे हो ना, आप एडवाइस पकड़ नहीं रहे हो आप, मैं आपको एडवाइस दे तो रहा हूँ कि ये सब नकली है, हाँ और मैं समझ गया, इसलिए आपको मैं पुराना कैंसिल करता हूँ सर इनको भी। आप करें, आप शौक से करें, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने आए ना, हाँ मेरे मेरे सामने आए, मेरे को बताएं कैसे ओपन वर्क परमिट दे रहे हैं। जब ओपन वर्क परमिट इतना आसानी से वहां से बैठ के कुवैत से इशू करना है, तो भाई उनसे कह दो कि तुम ही खुद चले आओ ओपन वर्क परमिट लेके, तुम ही काम कर लो कनाडा जाके, तुम क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ। सही बात सर, और असली भी असली बात यह है कि जो जो मेन मेन इसका जो जो सूत्रधार है, जो इसका जो पीछे जो कंसल्टेंट है, लाइसेंस कंसल्टेंट है, वो सामने नहीं है, उसकी कोई बात नहीं हो रही, उसका उसके बारे में उससे तो आपकी हाँ बातचीत हुई नहीं है। तो नहीं नहीं उनसे जब वो लोग क्या तक, बोल रहे हैं, पहले पैसा पैक करो या इंस्टॉलमेंट में, उनसे बात भी कराऊंगी, ये कराऊंगी वो कराऊंगी सब बोल रहे हैं लोग। वो ये कराऊंगी वो कराऊंगी, कोई लड़की है क्या? हाँ, लड़की वो तो भाई अब उससे उसे कितने पैसे मांग रहे हैं पहले अब? टोटल वो बोले कि पूरा ऑफिस का एड्रेस है, वो 75,000 है, आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, आपको पूरा पेपर मिलेगा, ये रसीद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और पूरा एड्रेस है आप ऐसा ऐसा है बोले। हाँ आप उन्हें अभी मना ना करें, उनसे वो लोग बताएं बताएं पैसे कहाँ देने, हम पैसे पहुंचा देते हैं आपको, बताएं। लेकिन इंडिया से फोन कर रहे हैं ना वो लोग सर। अच्छा, नहीं, पैसे देने किसे, इंडिया में देने पैसे किसी को? हाँ इंडिया में देने हैं। अरे इंडिया में काहे देने पैसे, तो उनसे बोला कि जब आपका आदमी कनाडा में बैठा है, कंसल्टेंट है, और कनाडा से हाँ जॉब आ रही, तो आप बोलो कनाडा में पहुंचा दे देना पैसे आपको। अगर आप बोलें, अगर आप उनसे बोलें, हुक्म करें, आप कनाडा में भी पैसे पहुंचा देते, कनाडा में भी पैसे वही चलते हैं अच्छे, यहाँ भी अच्छे आपको लगेंगे पैसे, वो आप देते हैं। आप बोले सही उनसे, आप उनको सामने लाए, उनसे कहना बात करनी है, कहना हमारे भाई साहब हैं, उनको बात करनी है आपसे, और पैसे आप बोले आज कल के, आज आज दे देते हैं, बताओ कहाँ से करने, कनाडा में हाथ से देके आएंगे, बताइए उन्हें। ठीक है सर, अभी देखते हैं, वो डेली मैसेज करते रहते हैं लोग, अरे तो बोला उन्हें यहाँ सर क्या हुआ, उन्हें कुछ मैसेज अपडेट हुआ, कुछ अपडेट हुआ बोला नहीं, उनको अपडेट पैसा अपडेट देने हो लग गया, रहा है। उनसे उनसे कहिएगा कि अपडेट हो गया, पैसे देने को मैं तैयार हूं, बताइए कहाँ कनाडा में पैसे देने हैं। ठीक है सर, ठीक है, और अगर इंडिया में कहाँ से, वहां से हैदराबाद से फोन कर रहे हैं आप, कहाँ से कर रही लड़की फोन? तो बेंगलोर, बेंगलोर सर बंगलौर में, बंगलौर में, जो जा एड्रेस है ना सर, उसी एड्रेस वो लोग बोल फोन का आपको दिया, उसी एड्रेस से बेंगलोर से फोन कर रहे लो, मिग्रेट वीजा ऑफिस अब करके उनका काम देखिए चल भाई, रही है। मैं तो अभी बंगलौर में नहीं हूँ, लेकिन बंगलौर में होता तो जो उस लड़की के दर्शन करने जरूर जाता, लेकिन अभी मैं वहां नहीं, नहीं सर। अभी वहां नहीं हूँ भाई। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, अगर उससे उनसे पूछ लेना कि मैडम कि अगर आपका कोई कनाडा में कोई, अगर आपका कोई अकाउंट अकाउंट है रखे हो कुछ, तो आप बता दें, वहां पर डाल देते हैं।
नहीं, कनाडा के अकाउंट यहाँ इंडियन अकाउंट दे रही है ना सर। नहीं, इंडियन अकाउंट में हम दे तो देंगे, लेकिन हमें वो, हमें आदमी चाहिए ना सामने, कौन है जिसको देने किसके हैं। हाँ, हमें सही तो, बात। हमें तो पहले उसकी उसकी उस आदमी की पूजा करनी है पहले, कि भाई आप है कौन, आपका नाम बताएं पहले। तो हम पहले दर्शन करेंगे, चाहे मंदिर में जाएंगे, पहले देवता के दर्शन करेंगे तभी तो चढ़ाएंगे कुछ। सही है सर, सही। अभी हमने देवता के दर्शन किए नहीं, मंदिर में पूजा करी नहीं, पहले ही बाहर चढ़ा चढ़ा दें बाहर गेट से, तो उससे मजा नहीं आएगा उसमें। सही बात है सर, आपको भी। और सर खाना ना, उधर टाइम क्या, और अभी उधर वहां पे अरे जहाँ पे खाना मतलब वाना दोपहर का कहा पूछ लिया आपने यार, अभी तो यहाँ पर 1:15 बज रहा है, दोपहर का है यहाँ पर खाना। गया जहाँ पे हाँ मिडनाइट तो आप क्या रात का समझे, क्या हो रहा वहां है। भी रात हो रही है, अभी कुवैत में भी रात हो रही है, कनाडा में भी रात हो रही है सिर्फ। मैं इवनिंग समझ रहा था सर। अरे यार आपने कहा, आप कनाडा के सपने दे रहे, आपको यही लग रहा कि जो कनाडा में टाइम चल रहा है वही कुवैत में टाइम चल रहा है। आप बताओ कुवैत में आपने क्या खाना खाया अभी आज, अभी सर वही रोटी सब्जी बनाए थे, वही खाया सर। रोटी सब्जी हाथ से ही बना रहे हो क्या? हाँ कंपनी देती है, लेकिन जानते हैं 200-400 लोगों के लिए अच्छी नहीं लगता है सब एक ही खाना। वो अच्छा, तो हम लोग वेजिटेरियन टाइप में है, तो इसलिए थोड़ा नहीं जमता है, फिर सब्जी उसी आपने बना लेते हैं। आपने अपनी शादी शादी आपकी हो गई है, दो दो साल 1.5 साल का बच्चा है आपका, तो आपने पत्नी धर्म पत्नी वहां छोड़ी है कुशीनगर में, तो माता पिता और क्या आपके बारे में। करूँ सर, हाँ जी मौसम सब मम्मी पापा को देख रेख करना भी चाहिए ना, और यहाँ पे उतना सैलरी भी नहीं है कि सबको बुला सकते। हाँ ये तो बात है, अगर यही मैं सोच रहा हूँ, अगर आपको 40,000 तनख्वाह मिल रही है इंडिया की, अगर यही काम जाके गोरखपुर में कर लोगे तो क्या क्या परेशानी है, दिल्ली में कर लो कहीं और कर लोगे? हो जाएगा लेकिन सर, लेकिन उसके लिए थोड़ा घर पे वो बेस मजबूत होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा 2-4 साल बनाने के लिए। मेरे को एक बात बताओ आप, ठीक है चलो पैसे के लिए दुनिया भाग रही है, जा रहे हैं हम इधर जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो आपको 40,000 कमाई हो रही है आपको, लेकिन आपको घर पे पैसे भेजोगे तो वो, आपको पता है कि उन्हें, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बेटे ने पैसे वहां से भेजे तो वो रह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका अपनी पत्नी के बगैर और अपने बच्चे के बगैर आप 1-2 साल से रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो? सर अभी 8 महीना हो गया था, 8 महीना हो गए। कोरोना ये जो फरवरी में आया सर। हाँ शादी शादी के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने के बाद जो 8 महीने से आप अपने पत्नी के बगैर और बच्चे के बगैर रह रहे हो, इस टाइम की क्या कीमत है? बहुत, क्या कर सकते सर, मम्मी पापा सिस्टर की मेरी सब देखना है घर पे, क्या क्या कर सकते। नहीं बाहर घर पे यही तो मैं इंडिया कह रहा में हूं कि 25,000 मिलता है, उसमें घर भी खत्म रहता है सर। भाई तो आपकी मर्जी है, यही तो मैं कह रहा हूँ, 40,000 में अगर आपको छोटी मोटी और कम भी सैलरी मिल गई, अगर आप वहीं अपने क्षेत्र में रह लो, लखनऊ में, कानपुर, बरेली, कहीं वहीं काम कर लोगे, नहीं बस तो क्या? हो गया सर, अभी यहाँ पर भी इतना चल रहा है, इनको बोल दिया हूँ, आप देख लो, अगर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करोगे तो हम इंडिया चले जाएंगे, अगर आपको नहीं पसंद तो हमको छोड़ दो यहाँ से भी, क्योंकि लोग थोड़ा ज्यादा है अभी, टॉर्चर करने लग रहे हैं लोग, इसके लिए मैं बोल दिया यहाँ पर भी सर। इंडिया में ये जो करेंगे खोल के कुछ दुकान वकान है जो भी। सही जी, चलिए जैसा संजोग है, जैसा दाना पानी है, मैं जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं मिडिल ईस्ट में, मेरे को कॉल करते हैं, उनकी तनख्वाह 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए पर महीने है उनकी तनख्वाह, तो हम कहते हैं ठीक है भैया थोड़ा सा टाइम काट के सर, किसी अपनी दिन पूंजी पर कर। डिपेंड हाँ करता है सर, किसी दिन जॉब डिपेंड करता है, उसी हिसाब उनकी सैलरी होती है सर। ठीक है, चलिए चलो रामू प्रजापति भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप अपना करें, आपको मैंने बहुत एडवाइस दे शुक्रिया दी। आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा सर, आपका वीडियो हम लोग देखते हैं, शेयर भी करते हैं बहुत व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर। ओके सर, ओके, नमस्कार, नमस्कार।